हम लोग जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने, तो फिलहाल हम वहाँ तो गया थाने के बाहर, बाकी देखते हैं जाके क्या सीन भी आगे का ना। आप अभी लिखवाते हो क्या कंप्लेंट? हाँ अभी कंप्लेंट लिखवाते हो। हाँ तो आपके पैसे लग सकते हैं ज़्यादा, 1000 रुपये तक। कंप्लेंट लिखवाने के पैसे क्यों लग सकते हैं 1000 रुपये? गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज हो गया यार तुम्हारा भाई थोड़ा सा उठने में लेट, एक्चुअली कल रात को बच गए थे गाइस अराउंड 1:30, मतलब वीडियो अपलोड करते करते तो वही थोड़ा सा लेट स्टार्ट, वही वाला मतलब अपना जो नॉर्मल ब्लॉगिंग वाला रूटीन था वही हो रहा है। बट नहीं, मेरे को जल्दी उठना है, पर इतना भी लेट नहीं उठा, 10 बजे मैं उठ गया था क्योंकि आज अपने को जाना है दादाजी को लेकर हॉस्पिटल, जो बताया था कल अपॉइंटमेंट थी उनकी तो चलेंगे। बाकी मैं दादा से पूछा था तो वो बोल रहे हैं कि अभी शायद चाचा आ सकते हैं, वो लेके जाएंगे उनको, तो हो सकता है अपन ना जाएं उनको लेकर, बाकी देख लेंगे जैसा भी होगा। अगर नहीं जाएंगे तो मेरे को भी 1-2 काम है छोटे छोटे, तो वो करने चलेंगे अपना। और बाकी मेरे यार यहाँ पर पता नहीं क्या रैशेस से हो गए, मेरे को बहुत तेज़ खुजली हो रही है, पता नहीं बार बार बहुत इरिटेट कर रहा है मेरे को। तो बाकी सीन यही है, और बाइक वाइक मैंने अपनी निकाल दी थी गई सारी बाहर, और रूम अपना साफ़ सुथरा ही पड़ा हुआ है क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर सफाई वफाई करवाई थी। बाकी मेरा बेड वैसा ही हो गया नॉर्मल जैसा होता है, हो ही जाता है मतलब, तो वो देखते हैं लेट्स सी क्या सीन है अभी दादा को लेके जाने का। बाकी चलते हैं थोड़ी देर में ऊपर, कॉल करते हैं यार। ब्रेकफास्ट बहुत तेज़ भूख लग रही है, और ब्रेकफास्ट में बना हुआ है आज अपने घर में चावल, फुल आलू वाले और वो पीले वाले चावल होते हैं, तो काफ़ी सही टेस्टी से हो रहे हैं। तो बस खाते हैं थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं अगर दादा को लेके जाना है या नहीं, जैसा भी होगा देखते हैं। बाकी भाई मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, और कोको देखो यहाँ चूहे के लिए बैठी हुई है। कोको चूहा? हाँ चूहा दे दो तेरे को, चूहे के लिए बैठी हुई है बस। तो पूरे दिन भाई मेरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ चूहे को ढूंढती रहती है। एक्चुअली मेरे कमरे में एक चूहा है छोटा सा, जो कि इस वाले छेद में रहता है, इस वाले। तो बस ब्रेकफास्ट हो चुका अपना डन, और भाई अभी बैठा हुआ था, मैं वेट कर रहा था चाचा का, चाचा आए नहीं है अभी तक, 1:30 बज चुका है। अगर नहीं आते हो 2 बजे तक 2 या 2:30 बजे तक तो मेरे को ही जाना पड़ेगा दादाजी को लेके, तो अभी देख रहा हूँ। बाकी मैं सोच रहा हूँ तब तक, जब तक वो आए नहीं है, मैं सोच रहा हूँ अपना ये जो मेरा माउंट है इसका, वैसे मैं ये बता दूँ आप लोगों को, मैंने कल इसमें ना ये मेरा लगा लिया था तो सही है। बाकी ये है ना यार इसका, ये आपको दिख रहा होगा जब मैं इस पर कैमरा लगाता हूँ ना। हाँ ये देखो, ये टूटा हुआ लाइट में, तो बस ये है ना इसका भाई, ये देखो मैं निकाल देता हूँ, ये मेरे को लगाना है। ये भाई इसका ढीला हो गया और निकल के हाथ में आ गया, तो ये भाई ये मेरे को लगाना है। मैं सोच रहा हूँ जब तक चाचा नहीं आते तो वेट तो कर रहा हूँ, खाली हूँ तो ये लगा लेता हूँ। ये टूट ही गया था अपना, कहीं जाना है वैसे भी हेलमेट भी लगाने पड़ेगा। और अभी तक भाई मेरा एक मेन काम नहीं हुआ है, मेरे को जो मेरे दूसरे वाले हेलमेट, इस वाले हेलमेट के लिए जो माउंट चाहिए मेरे को, क्योंकि ये वाला अपना लग नहीं रहा इस पे रोपोर माउंट, तो जो चाहिए मेरे को वो लाना है, मैं वो ही नहीं ला पा रहा अभी तक, तो वो भी लाएंगे। बाकी पहले इसको लगा लेता हूँ। 12 seconds later. सो गाइस माउंट हो चुका है अपना भाई, लग के कुछ रेडी ऐसा लग रहा है अभी, और ये कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया, पर ये मेरे को लग रहा है पक्का ही कर दिया है मैंने इसको ना इस बार, साइड की जगह मैंने हल्की सी एम सील यहाँ भी लगा दी है, क्योंकि ये इसके एम सील तो नहीं हटती थी, बस यही जाता था हर बार, तो अब सही है अभी। ये अपना मिरर भी लग चुका है, तो अभी बढ़िया हो चुका है हेलमेट, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब साउंड में भी दिक्कत नहीं होगी बाइक चलाते टाइम पे, तो ठीक है अब। और अभी भी चाचा नहीं आए हैं तो वेट करते हैं। 2000 years later. तो गाइस मैं तो गया था भाई सो बढ़िया वाला, चाचा आ गए थे और ले गए थे दादाजी को हॉस्पिटल दिखाने, बाकी लेकिन काम हुआ नहीं दादाजी का आज भी, और तो कल मॉर्निंग में दोबारा जाना पड़ेगा अराउंड 11 बजे के अराउंड, तो लेके जाऊंगा। बाकी अभी उठ चुका हूँ, और सीन है अपना जाने का, मेरे को काम है एक छोटा सा बट अभी नहीं है वो काम है, अराउंड 7:30 बजे जाना पड़ेगा मेरे को एक जगह, तो सामान लेके आना है तो चलेंगे थोड़ी देर में लेने। बाकी अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ मैं कोको को लेके घुमाने, कोको अपनी रेडी खड़ी है, चलें कोको, चलो कोको के साथ जा रहा हूँ अभी फिलहाल, इसे घुमा के आता हूँ जल्दी से। तो यार वापस तो आ गया मैं, जो काम वाम करना था मेरे को निकला हुआ था मैं, बाकी अभी इस टाइम आ रखे हैं यार आशु के साथ, जा रहे हैं हम लोग थाने में, क्योंकि यार थोड़ा सा हो गया सीन, इसका वॉलेट गया हो गया है वॉलेट, ठीक है, तो अब हम लोग जा रहे हैं कंप्लेंट लिखवाने, तो फिलहाल हम वहाँ तो गए हैं थाने के बाहर, बाकी देखते हैं जाके क्या सीन अभी आगे का ना। तो भाई अभी आशु वेट कर रहा है भाई अंदर थाने के, बाल खड़े हुए हैं हम लोग, लेट्स सी क्या सीन है। Day 2. ये अगर आप अभी लिखवाते हो क्या कंप्लेंट? हाँ अभी कंप्लेंट लिखवाते हो। हाँ
तो आपके पैसे लग सकते हैं ज़्यादा 1000 रुपये तक। कंप्लेंट लिखवाने के पैसे क्यों लग सकते हैं 1000 रुपये? वो लिखते हैं FIR के, लगता है 1000 रुपये चार्जेस। हाँ, तो मतलब आपके 800-1000 रुपये लग जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन कर लेते हो FIR उसकी, अपनी ID वगैरह डाल दो, और जो नॉर्मली वहीं पर डिटेल्स मांगते हैं ना ऑनलाइन में, वो अपनी डिटेल्स डाल दो, जो भी ID थी और जो पैसे ऐसे जो भी था उसमें, उस चीज़ की वो डाल दो, कैप्शन कर दो, मेंशन कर दो। सो गाइस, यहाँ तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पर हम कंप्लेंट लिखवाने गए हैं। कंप्लेंट लिखवाओगे आप आनंद फानंद में तो आपके लग जाएंगे 800-1000 रुपये, पुलिस वाले की वर्डिंग है। कंप्लेंट अगर लिखवाएंगे तो 1000-800 रुपये लगेंगे हमें कंप्लेंट लिखवाने के, FIR। यार मेरे को नहीं लगता जहाँ तक है ना कि कंप्लेंट लिखवाने के कोई पैसे लिखते हैं लेते हैं, बट पता नहीं यार अब कोई नया रूल निकला हो तो, बट जो ऐसा भी होता होगा आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा होता है, तो अब हमें इन्होंने कंसल्ट किया है गाइस ऑनलाइन करने के। जब वॉलेट ही हो गया तो इनको पैसे कहाँ से दूंगा, पैसे कहाँ से देगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है, वॉलेट हो गया पैसे कहाँ से, वॉलेट हो गया तो पैसे कहाँ से दूं। और दूसरी बात ये है कि अब ये बंदे कह रहे हैं कि ऑनलाइन कर दो, तो भाई ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन देंगे अपन, क्या दिक्कत है, अपने को देने नहीं, पैसे तो है नहीं गाइस हमारे पास देने के लिए। ठीक है, अब ऑनलाइन में भी पैसे मांगेंगे, कह रहे 1000 रुपये तो वॉलेट में देगा, इस बार तो 1000 रुपये ही मांग रहे हैं। नहीं, वॉलेट में मेरे गाइस 5000 रुपये थे, पैसे ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये पैसे किस बात के मांग रहे हैं ना वो समझ नहीं आया, बट क्या करो, मेरे ख्याल से नहीं होता यार, जहाँ तक मेरे को पता नहीं होना चाहिए ना कि कंप्लेंट लिखवाने के पैसे, यार पता नहीं यार, बाकी ऐसा नहीं बच गया बचकाने। चलो कोई बात नहीं, बाकी अब हम ऑनलाइन करते हैं, बाकी हम लोग जा रहे हैं वहाँ जाके, ये भी ऑन करते कैमरे को भी और पार्टी को भी। One hour later. तो आ चुका हूँ गाइस वापस घर पर, बाइक कर दी मैंने अपनी अंदर, और हम लोग गए थे कंप्लेंट लिखवाने, लेकिन लिखी नहीं वहाँ पर, मतलब 1000-800 रुपये पता नहीं किस चीज़ के वो लोग चार्ज कर रहे थे, तो समझ नहीं आया थोड़ा सा, तो बाकी उसके बाद बोलने लगे वो लोग कि आप ऑनलाइन कटवा लो, ऑनलाइन में कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, तो पता नहीं ऑफलाइन का शायद होगा कोई चार्जेस वगैरह करने या रूल वगैरह, जो समझ नहीं आया हमें, और वी डोंट इवन हैव कैश तो हमने लिखवाया नहीं। बाकी आ चुके अब हम वापस घर, और टाइम हो रहा है गाइस 10:30, तो बस करते हैं गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।